गुड मॉर्निंग बॉच। देखिए क्लास 11th फिजिक्स में सदिश विश्लेषण चैप्टर चल रहा था और हमने दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करना बता दिया था। दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करना बताया था जबकि उनके मध्य का कोण दिया, जबकि इनके मध्य का कोण दिया, मध्य का कोण दिया। ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में प्रूफ कर दिया था कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है। ये हमने प्रूव किया था। ठीक, दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करना जबकि उनके मध्य का कोण दिया हो, ये हमने पहले ही वीडियो में सिद्ध कर दिया था कि आर स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है। अब देखिए इसी के आगे, यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में लगे हो, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेने पर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेने पर, तो थीटा को 0 रख दिया जाए, आगे कितना आ जाएगा परिणामी, तब दोनों सदिशों का परिणामी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा यानी 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू 1, यानी ये मिल जाता है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या ये कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाता है, या स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो ये आ जाता है आर इक्वल टू ए प्लस बी। ये आर का अधिकतम मान होता है। क्या ये दो सदिशों का परिणामी होता है जबकि दोनों एक ही दिशा में लगे हों, दोनों सदिश एक ही दिशा में लगे हों, तब आर का मान अधिकतम होता है, यानी परिणामी अधिकतम होता है और उसका मान ए प्लस बी, यानी अगर दो बल 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के लगे हुए हैं तो 3 न्यूटन के एक ही दिशा में लगे होंगे। ये 5 न्यूटन का और ये 3 न्यूटन का एक ही दिशा में लगे हैं तो इसका परिणामी 5 प्लस 3 अर्थात 8 न्यूटन हो जाएगा और ये बल का अधिकतम मान होगा। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तब परिणामी बल कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 यानी 8 न्यूटन, दोनों एक ही दिशा में होंगे सीधे सीधे जोड़ दिया जाएगा। ठीक, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, ये तो हमने तब बताया जब दोनों सदिश एक दूसरे की दिशा में लगे। अब देखिए यदि दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हों, विपरीत दिशा में
लगे हों, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री लेने पर, थीटा कितना ले लेंगे 180 डिग्री लेने पर, तो अब कितना हो जाएगा देखिए, तब परिणामी हो जाएगा, अब परिणामी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यानी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का मान माइनस वन होता है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस वन होता है, तो अब हम लोग कॉस 180 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन पुट करेंगे और देखिए कितना हो जाएगा, अब आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, और कॉस 180 की जगह माइनस वन, तो माइनस वन का गुणा करेंगे ये प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू अब हम लोग को मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर हट जाएगा तो आर मिनिमम यानी परिणामी जो सदिश आएगा वो दोनों के अंतर के बराबर है, यानी आर मिनिमम इक्वल टू ए माइनस, अर्थात कहने का मतलब कि अगर ये 5 न्यूटन का बल इधर की ओर लगा है और 3 न्यूटन का बल इधर की ओर लगा हुआ है, तो जो परिणामी आएगा 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन बराबर 2 न्यूटन हो जाएगा, ठीक, 5 न्यूटन और ये 3 न्यूटन, ठीक, तो परिणामी बल कितना आ गया 2 न्यूटन, कब, जब 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे, अर्थात कहने का मतलब कि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है, ये देखिए एक ही दिशा के लिए आर मैक्स की वैल्यू ए प्लस बी, विपरीत दिशा के लिए आर मैक्स की वैल्यू ए माइनस बी, और किसी भी कोण के लिए, किसी भी कोण पर अगर दोनों सदिश लगे हुए हैं तो उनके लिए परिणामी परिणामी ज्ञात करने का सूत्र आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का है। मान लीजिए अगर दो बल हैं और एक दूसरे के लंबवत है, तब क्या हो जाएगा, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसके साथ लेके और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देखिए क्या लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत, क्या ये तीसरा पॉइंट है, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत लंबवत अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेने पर, और जब 90 डिग्री लेंगे तो देखिए आर कितना हो जाएगा, तब परिणामी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा की जगह पर कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस तरह प्राप्त हो जाएगा, कब, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, तब पाइथागोरस प्रमेय की तरह काम करेगा, मान लीजिए ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो बल
एक दूसरे पर परस्पर लंबवत है, 3 न्यूटन 4 न्यूटन, तब इनका जो परिणामी होगा आर कितना हो जाएगा, तो आर इक्वल टू अंडर रूट कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और प्लस 16, 16 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, तब इसका परिणामी 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, कब, जब 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रहे हों, तब परिणामी आर बराबर कितना आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि दो सदिशों का जोड़ चाहे घटाना, देखिए घटाने का मतलब ये देखिए ये हो गया, जोड़ने का मतलब ये हो गया। ठीक, घटाते कब है, जब विपरीत दिशा कर देते हैं, जोड़ते कब है, जब दोनों एक ही दिशा में हो, पहले ही बता दिया है हम। ठीक है, और अगर कोई कोण बना रहा हो तो परिणामी ज्ञात करने का ये सूत्र हो जाता है क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं, जरा देखिए एक आध क्वेश्चन हम लिख देते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 1। यदि दो सदिशों का महत्तम परिणामी P प्लस Q इक्वल टू R तथा न्यूनतम परिणामी, या ये कह लीजिए कि महत्तम परिणामी R तथा न्यूनतम परिणामी हो तो दिखाइए कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 2 × P² प्लस Q² जहां P और Q दोनों सदिश हैं, दोनों सदिश हैं। तो देखिए कैसे किया जाएगा, अभी हमने देखा महत्तम परिणामी यानी R max दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है और न्यूनतम परिणामी हमने निकाला था R minimum कितना निकाला था, दोनों सदिशों के अंतर के बराबर। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन, चूंकि बल या सदिश P और Q हैं अतः इनका महत्तम परिणामी R इक्वल टू P प्लस Q तथा इनका न्यूनतम परिणामी, इनका न्यूनतम परिणामी S इक्वल टू P माइनस Q, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर
वर्ग करके जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस यू का होल स्क्वायर और प्लस पी माइनस यू का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा जरा देखते हैं हम लोग। तो अब ये आ गया हम लोगों का कितना, तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी तरह इसको तोड़ते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू पी क्यू और माइनस टू पी क्यू कट गया और ये आ गया हम लोगों का आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर। टू ले लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, और यही हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यदि P और Q दो सदिश हैं जिनका महत्तम परिणामी R और न्यूनतम परिणामी S है तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू ब्रैकेट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ठीक है, आशा है ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक, इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, इसको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।